हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। मैं हूं डॉक्टर खुशी। वेलकम डिवाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की राशि जो है, 4 जनवरी 2023 की राशि, तो चलिए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक। वेलकम टैरोट रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि जो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कहीं ना कहीं थोड़े से म्यूजिक से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ म्यूजिक की तरह आपका आज फोकस नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ आप गाना गुनगुनाने या फिर मेडिटेशन करते हुए भी नजर आते दिखाई दे रहे हैं। रिलैक्स मोड नजर आते दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं कुछ भी परेशानी हो या फिर कुछ भी आपको थोड़ी सी कुछ चीजें जो है, हालात जो है बिगड़े हुए, इसको शांत तरीके से आप संभालते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से हेल्थ की तरफ से जो हेल्थ इश्यू नजर आते दिखाई दे रहे, उसकी तरफ से आप कहीं ना कहीं खुद को रेस्ट मोड पे भी लेके जाते दिखाई दे रहे, मतलब खुद का ध्यान भी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए रिश्तों में, तो रिश्तों में कहीं ना कहीं आज आप टाइम निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से उनके साथ टाइम एक्सपेंड कर सकते, कहीं ना कहीं बाहर भी घूमते हुए भी नजर आते दिखाई देंगे। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज जो है कि आज के लिए कहीं ना कहीं आपको आज डिवाइन मैसेज जरूर दिखेगा। इसको आप कहीं ना कहीं इग्नोर ना कीजिए। ये डिवाइन मैसेज आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ गुड न्यूज लेके आते हुए दिखाई दे रहा है। मेष राशि वालों के लिए लकी नंबर है 6 और लकी कलर है रेड। तो शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन आपका कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा। बहुत ज्यादा आज आप काम करते हुए भी नजर आते दिखाई दे रहे हैं। कुछ पैशन से आप आगे बढ़ते हुए नजर आते दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं आप किसी को सलाह भी दे सकते हैं। आज आपकी सलाह कहीं ना कहीं किसी की मदद जरूर करेगी। एक स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन नजर आते दिखाई दे रहे। खुद कहीं ना कहीं एक अकेले टाइम अपने साथ बिताते हुए भी नजर आते दिखाई दे रहे। कुछ प्रमोशन या फिर कुछ अच्छी गुड न्यूज जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही, जिस वजह से आप अपने पार्टनर के साथ या फिर फ्रेंड या फिर रिश्तेदार के साथ आप सेलिब्रेशन के मूड में जरूर नजर आते दिखाई देंगे। अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की, तो एंजल्स मैसेज आपके लिए कहीं ना कहीं कह रहा है कि आपकी जो हेल्थ जो है कहीं ना कहीं जितनी भी अगर बिगड़ी हुई भी होगी तो ठीक हो सकती है, तो ठीक हो भी जाएगी। तो ये रहे आपके लिए एंजल्स मैसेज। वृषभ राशि वालों के लिए लकी नंबर जो है 2 और लकी कलर है वॉलेट। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है। प्लेस चेंज होने के बारे में आज कहीं ना कहीं बात हो सकती है। कुछ आज आप बाहर जाने के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप करना चाहते तो आज के दिन काफी ज्यादा बेटर रहेगा। काम में काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी नजर आती दिखाई दे रही है। कुछ पैसे को लेके सेविंग जरूर करेंगे। कुछ चीजें काम करने का आपका थोड़ा सा मन नहीं करेगा, कुछ चीजें ऐसे करने का मन नहीं होगा, पर कुछ ऐसे काम जो है आपको करने जरूर पड़ सकते हैं। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आज आपकी जो है थोड़ी सी कम्युनिकेशन जो है थोड़ी सी लाउडली हो सकती है। थोड़े से आप कहीं ना कहीं किसी के ऊपर थोड़े से बोलते ना कि अपना अधिकार जमाते हुए दिखाई दे रहे, जिस वजह से थोड़ी सी नोकझोंक होने की चांसेस नजर आते दिखाई दे रहे। तो आज आप अपने थोड़े से रिश्ते के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की, तो एंजल्स मैसेज है कि आप जो भी बात आज आप डिवाइन से कहेंगे कि या फिर आपके एंजल से कहेंगे, वो आपकी आज जो है आपकी बात आपकी जो ड्रीम जो है कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। मिथुन राशि वालों के लिए लकी नंबर जो है 7 और लकी कलर जो है ब्लू। शुरुआत करते हैं अगली राशि की ओर जो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन जो है कहीं ना कहीं पीसफुल मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन भी आज आपने आपको आज देंगे। कुछ नए काम के बारे में सोच रहे, कुछ नए काम की शुरुआत करने के बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहे। हेल्थ थोड़े से आपके इश्यू जो है आज आते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं आज आपने थोड़े खुद के ऊपर हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने की भी जरूरत है। काम से रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो काम के लिए आज आपके पास पैसे आते हुए दिखाई दे रहे, जिस वजह से आपकी जो पहले जितने भी आपने जो मेहनत की होगी उसका फल जो है आज आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आज आप पिकनिक स्पॉट पे जाते हुए दिखाई दे रहे, या फिर कहीं ना कहीं अपने आज रिश्तेदारों के साथ या फिर कहीं ना कहीं फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड या फिर अपने पार्टनर के साथ आज आप टाइम बिताते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की, तो कहीं ना कहीं आज जो भी आपने जो भी वर्क किया होगा, जो भी काम किया होगा, इसका फल आपको आने वाले जो अभी जो ईयर जो आपका चालू है उसमें आपको जो है धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट आना जो है मिल जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए लकी नंबर है 5 और लकी कलर है व्हाइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगली राशि की ओर जो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं अगर आज आप
सोशल मीडिया से कनेक्टेड है तो कुछ और नई अपॉर्चुनिटी कमा सकते हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से आपको जो इनकम सोर्स मिलना भी तय हो सकता है। सोशल मीडिया पे आपकी कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग ज्यादा बढ़ती हुई भी नजर आती दिखाई दे रही। सोशल एक्टिविटीज जरूर करेंगे। अगर बात की जाए तो कुछ पीसफुल होके थोड़ी सी मेडिटेशन की आपकी एनर्जी नजर आती दिखाई दे रही है। जहां पे कहीं अगर आपको किसी को डिसीजन देना हो तो डिसीजन आप दे सकते खुद ही हो के अपनी जो कुछ ऐसे जो रूल्स है वो खुद बना के खुद लॉक होने की कंडीशन में आप बीतते हुए दिखाई दे रहे। पार्टनरशिप करने के लिए काफी अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए आपके लिए पैसे को लेके तो पैसे के लिए कोई भी आज आपकी परेशानी नहीं होगी। कुछ भी चीजों के लिए आज आप खर्चा करते हुए नहीं नजर आते दिखाई दे रहे। अगर आपकी बात रिश्तों की आती हुई दिखाई दे रही तो रिश्तों में कुछ कहीं ना कहीं आप साथ में मिलके काम करते हुए नजर आते दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं आज आप डिसीजन लेंगे कि साथ में मिलके कुछ काम किया जाए तो काम के लिए कहीं ना कहीं आज डिसीजन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए कि आपके लिए एंजल्स मैसेज की थी ये चीजें दिखाई दे रही है कि आपकी जो भी चीजें ये ठीक होती हुई नजर आती दिखाई देगी। सिंह राशि वालों के लिए लकी नंबर जो है 1 और लकी कलर जो है ब्राउन। शुरुआत करते हैं अगली राशि की और जो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन जो है कहीं ना कहीं आप जितनी भी एनर्जी कनेक्ट करेंगे उतनी एनर्जी फ्लो में भी रहेगी। आप कहीं ना कहीं आज आपकी स्मूथली एनर्जी रहेगी जिस वजह से आपके काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से फास्ट में बीतेंगे। कोई वर्कर ना होके भी आज सारे काम जो है आप खुद अपने आप ही करते हुए भी नजर आते दिखाई दे रहे हैं। मनी इनकम सोर्स जो खुद के पैसे की इनकम सोर्स आप खुद ही होके डिसीजन लेंगे। खुद ही मनी इनकम सोर्स जो कमाने के बारे में सोचते हुए नजर आते दिखाई। कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटी आपके मेहनत से ही आपको मिलती नजर आती दिखाई देगी। अगर बात की जाए कि लव कम्युनिकेशन की तो लव कम्युनिकेशन में थोड़े से आपके ईगो जो है क्लैश होते हुए नजर आते दिखाई देगी जिस वजह से आपकी एनर्जी जो है थोड़ी सी आपको भी थोड़ी डगमगा सकती है। तो बाकी अदरवाइज लव रिलेशनशिप के लिए ठीक है। शाम तक ये सारी चीजें जो है ठीक हो जाएंगी। अगर बात की जाए आपके लिए मनी इनकम सोर्स की तो आपने जितनी पैसे कमाए या फिर गंवाए भी है जितने बिजनेस को लगाए वो सीधी चीजें आपको रिटर्न गिफ्ट में मिल सकते हैं। अगर बात की जाए आपकी एंजल्स मैसेज की तो कुछ अगर डिसीजन लेना है तो आप किसी से हेल्प मांग सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए लकी नंबर है 6 और लकी कलर है येलो। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आज काफी दिन जो है ये बहुत ही आपके ड्रीम्स को कहीं ना कहीं कंप्लीट करने के टास्क में नजर आते दिखाई दे रहा है। कुछ आप पिछली चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा थोड़े से सोचते हुए नजर आते दिखाई। कुछ पुरानी चीजें आज आपको याद आ सकती है। कुछ रिश्तों में जो है आपके जो बैड इंप्रेशन जो हो चुके जो कुछ बैड एनर्जी जो हो चुकी उस पर थोड़े से आपका फोकस रहेगा जिस वजह से कहीं ना कहीं आज आप न्यू रिलेशनशिप में आपकी जो चीजें जो है आप ये बोलते ना कि जिसके बोलते ना कि आप जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में चलेंगे। कुछ भी गड़बड़ आपके न्यू रिलेशनशिप में नहीं होगी। आपकी लव कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो आज का दिन काफी अच्छा बीते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ न्यू चीजों को लेकर क्रिएटिविटी जरूर रहेगी पर कुछ पुरानी बात को याद रखे कुछ नए दौर के लेके थोड़ी सी आज स्थिति ऐसी रहेगी। कुछ अभी जो है आपको जो कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। कुछ भी अगर आप कदम रखते हैं तो थोड़े से फुक फुक के कदम आपको रखने हैं जरूर पड़ेंगे क्योंकि कुछ पुरानी गलती को लेके कुछ नए टाइम पे जो चीजें जो चल रही है उस चीज में थोड़ा सा आपको असर जो है देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की तो आपने कुछ भी चीजों के लिए जल्दी एक्शन लेना आपके लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि जल्दी एक्शन लेने से आप वो चीजों से दूर हो जाएंगे। तुला राशि वालों के लिए लकी नंबर है 4 और लकी कलर है वायलेट। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं आज स्पिरिचुअलिटी भरा दिन रहेगा। कहीं ना कहीं आज आप आध्यात्मिक से कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी बैलेंस होने की वजह से आप बहुत सारी चीजों से आज आप डिसीजन लेंगे कि आपको क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है। कुछ अगर आपके कोर्ट कचहरी के बात चल रही होगी तो उसमें आपकी आज जीत होती हुई नजर आती दिखाई देगी। जिन लोगों के साथ आपकी जो बोलते ना इग्नोर चीजें जो है जैसे बोलते ना कि उनके साथ अगर दुश्मनी भी होगी तो आप इन चीजों को इग्नोर करेंगे। उनके साथ आज आप बोलते ना कि उनके टेंशन की वजह से या फिर कुछ परेशानी को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे पर कुछ दुश्मन जो है आपको परेशान करने के लिए फिर से आ सकते पर कहीं ना कहीं आपको इसका इफेक्ट जो है नहीं होगा। रिलेशनशिप के लिए आज काफी अच्छा पॉजिटिव कार्ड्स नजर आते दिखाई दे रहे हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं आज आप अपने पार्टनर के साथ टाइम बिता सकते हैं। अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की तो एंजल्स मैसेज आया है रोमांस तो रोमांस के लिए आज आपके लिए 100% कार्ड्स नजर आते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज आप पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं या फिर टाइम अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए लकी नंबर है 3 और लकी कलर है पर्पल।
तो चलिए शुरुआत करते अगली राशि की ओर, जो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए अगर आज कहीं किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के बात कीजिएगा, कहीं ना कहीं आज आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी एनर्जी दिखाई दे रही है पर कहीं ना कहीं आज आपके नॉलेज को लेके बात हो जाएंगी, तो कुछ नॉलेज के ऊपर बात हो सकती है जिस वजह से आपका ईगो या फिर कहीं ना कहीं अहम जो है थोड़ा सा घटते हुए नजर आते दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत थोड़े से उसी चीज को लेके आप थोड़ा सा होता है ना कि दिन भर थोड़े से उसी दिन ही चले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर से रिश्तों में अगर ये बात करते हैं तो ये चीजों का समाधान निकालते हैं, तो ये चीजें जो आज आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की, तो एंजल मैसेज है कि अगर कुछ नया डिसीजन लेते तो थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, क्योंकि आज सही डिसीजन लेने का टाइम नहीं है। धनु राशि वालों के लिए लकी नंबर है 9 और लकी कलर है ऑरेंज। शुरुआत करते हैं अगली राशि की ओर, जो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आज कहीं ना कहीं पढ़ने का या फिर खुद में रहने का मन करेगा, कुछ चीजें परचेसिंग करने का भी मन कर सकते हैं जिस वजह से आप थोड़ा सा हैप्पी रह सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रमोशन होने की बात हो सकती है या फिर कहीं ना कहीं आपकी जॉब है तो फिर जॉब में आपको कहीं ना कहीं आज आपको पैसे बढ़ोतरी भी नजर आती दिखाई, प्रमोशन भी होते नजर आते दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए आपकी रिलेशनशिप की, तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में थोड़े से अपने फैमिली की तरफ ज्यादा ध्यान नजर आते दिखाई दे रहे, जिस वजह से कहीं ना कहीं अगर आप आगे भी बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ब्लॉक एनर्जी आपको नजर आती दिखाई दे रही, मतलब घर वालों की वजह से या फिर थोड़े रिश्तेदारों की वजह से कुछ डिसीजन आप नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की, तो एंजल्स मैसेज है कि कहीं ना कहीं आज आप कई किसी पीपल्स को या फिर कहीं ना कहीं किसी इंसान को अगर आप आज आप हेल्प करते हैं तो आपकी कुछ पास्ट लाइफ की जो चीजें होती है ना ये दूर हो जाएगी। मकर राशि वालों के लिए लकी नंबर है 7 और लकी कलर है पिंक। शुरुआत करते हैं अगली राशि की ओर, जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा से आज सराउंडिंग एनर्जी की वजह से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे, जिस वजह से आज आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। कहीं ना कहीं आज आपका थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपको रखना पड़ेगा, जिस वजह थोड़े से जो कंफ्यूजन जो एनर्जी चल रही है ना कि बहुत सारी चीजें आपको करनी पर नहीं कर पा रहे, क्योंकि सराउंडिंग एनर्जी की तरफ से कुछ बाइटिंग जो बोलते ना कि कहीं ना कहीं आपकी बातें जो है ज्यादा आपको फैलती हुई नजर आती दिखाई दे सकती है। कहीं ना कहीं आपको फैमिली सपोर्ट मिल सकता है, तो आज कहीं ना कहीं रिश्तों में जो है अच्छी सी पॉजिटिव बातें हो सकती हैं, तो रिश्तों में ये बात रखे, कहीं ना कहीं घर पे फैमिली में ये बात रखे तो कहीं ना कहीं वहां से सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई देगा। अगर बात की जाए मनी इनकम सोर्स को लेके, तो पैसे से कहीं ना कहीं फैमिली वालों से कहीं ना कहीं आपको पैसे से हेल्प मिल सकती है। अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की, तो कहीं ना कहीं खुद के ऊपर ट्रस्ट रखिए, दुनिया जो बोलती है उसको बोलने दीजिए, खुद के ऊपर जितना बिलीव करेंगे उतना आज आप आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए लकी नंबर है 1 और लकी कलर है व्हाइट। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ट्रैवलिंग मोड पे दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आज आपकी बात चलेगी बाहर जाने की, तो बाहर जाने का डिसीजन आज आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम में नेम फेम सक्सेस मिलते हुए नजर आते दिखाई दे रहे, पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपके जैसे कि आपके नेम फेम से आपके घर पे अगर या फिर रिलेशनशिप में खुशी महसूस नहीं होती दिखाई देगी, जिस वजह से थोड़ा सा आप अपसेट भी होते हुए नजर आते दिखाई देंगे। कुछ नई क्रिएटिविटी करना चाहते, कुछ नए थॉट्स को लेके कुछ आगे बढ़ते हुए नजर आते दिखाई दे रहे, कुछ नया डिसीजन आज आप जरूर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की, तो सक्सेस का कार्ड्स नजर आते दिखाई दे रहे, जैसे कि नेम फेम आपका जैसे भी होते हुए दिखाई दे रहा है तो सक्सेस का कार्ड्स नजर आते हुए दिखाई दे रहे, तो एंजल्स से आपके लिए काफी ज्यादा आज हेल्प आपको जो मिल सकती है। मीन राशि वालों के लिए लकी नंबर है 5 और लकी कलर है ग्रीन। मैं ऐसे ही आपके साथ मिलती रहूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।